वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मेरा राजकुमार करेगा आपका वेलकम। बेटा हाय कर दो, हाय करो, हाय करो, हाय। कैसे हो आप सब? तो मेरा बेटू देखिए आपसे हाय कर रहा है। देखिए तो इसकी आंख में लग गई थी चोट, तो देखिए आपको दिख भी रहा होगा, थोड़ा सा हल्का सा रेड रेड हो रहा है। वो जो कपड़े वाली चिमटी होती है ना, तो वो ये हाथ में ले रहा था, तो जैसे ही मैंने इसको बेड पे मतलब इसको खड़ा किया तो ये गिर गया और वो चिमटी इसकी आँख में लग गई। आँख के अंदर आगे की साइड को मतलब रेड रेड सा हो रहा था, तो इसकी वजह से मेरा मन बहुत ही परेशान था। वैसे अब तो फिर भी काफ़ी ठीक है, क्योंकि इसने परसों लगी थी इसको चोट रात के टाइम, तो अब तो फिर भी ठीक है। ये हमने आँख में दवाई वगैरह डाली थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से भी शेयर कर देती हूँ, तो वो ही है, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। तो मैंने सोचा आज अपने बिट्टू को ले लेती हूँ वीडियो में। आप सब लोग कहते भी हैं कि अपने बेटे को वीडियो में लेके आया करो, ये शांति से नहीं बैठता है, इसलिए मैं इसको नहीं लेके आती हूँ। तो आज ये पता नहीं क्यों शांति से बैठा है। ये देखिए अभी परेशान हो रहा है और इसको गर्मी भी लग रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जाओ। तो फ्रेंड्स आज मेरा मन वैसे बहुत परेशान है, वीडियो शूट करने का कोई मन तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से ही बात कर लेती हूँ। क्योंकि एक मेरी फ्रेंड थी, मतलब स्कूल में भी कॉलेज में भी साथ ही पढ़े हुए, तो हमने पार्लर वगैरह और कंप्यूटर वगैरह साथ ही सीखा था। मतलब ये था कि जैसे बचपन की फ्रेंड होती है ना, तो वाली फ्रेंड थी। तो उस फ्रेंड की मेरी शादी थी और मैं शादी में नहीं जा पाई। आपको पता है कि लॉकडाउन भी हर जगह लगा हुआ है और मेरा छोटा बेबी है, तो इस सबसे मेन रीज़न यही था कि मैं इसी की वजह से नहीं जा पाई थी उसकी शादी में। तो मेरा मन बहुत था कि मैं उसकी शादी में जाऊं, पर क्या करूं नहीं जा पाई। तो शशि अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी कि मैं नहीं आ पाई शादी में, बट मेरा बहुत मन था कि हम ऐसे हम डांस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। होता है ना कि जो पहले से मतलब हम मन में सोच के रखते हैं कि वो कभी पूरा नहीं होता है, और वाकई में ही ये हकीकत है कि जो हम पहले से मन में सोच के रखते हैं तो वो बात हमारी कभी पूरी नहीं होती है। उसकी शादी में तो नहीं जा पाई, पर यह है कि उसने मेरे को पिक भेजी अपनी। तो वैसे मेरी अभी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी फ़ोन पे, वीडियो कॉल पे भी वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। वीडियो कॉल करी थी मैंने तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और क्योंकि उसने पहले मेकअप कभी ऐसा किया नहीं था, फर्स्ट बार उसका ऐसा मेकअप हुआ है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैं उसकी क्लिप जो है वो लास्ट में ऐड कर दूँगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वो कैसी लग रही है। तो प्लीज़ मेरी छोटी सी ही वीडियो है, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट के बिना मत जाइएगा। अगर मेरे चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।